नमस्कार मित्रों, फिर से हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। एक नए वीडियो के साथ फिर से हम हाजिर हो गए हैं। मित्रों, क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि चोटी बनाने से बाल लंबे और मजबूत होंगे? महिलाएं लंबे बालों के लिए ऑयल मसाज, ट्रिमिंग, हेयर स्पा सहित कई तरीके आजमाती है, लेकिन बहुत ही कम महिलाएं यह जानती है कि हेयर स्टाइल से भी बाल लंबे होते हैं। दरअसल हम सभी अपने बालों को स्वस्थ और सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसके लिए हम महंगे शैम्पू, हेयर स्पा और हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महज एक हेयर स्टाइल से भी बालों को लंबा और मजबूत बनाया जा सकता है। दरअसल बालों की चोटी बनाने से हेयर फॉल सहित कई समस्याओं से भी हम निजात पा सकते हैं। हमने अक्सर बचपन में दादी और नानी से सुना है कि चोटी बनाने से बाल बढ़ते हैं, लेकिन कम ही लोगों को इस बात पर यकीन होता है। स्टडी में पाया गया है कि हेयर टैप या चोटी बनाने से बाल बढ़ते हैं। दरअसल चोटी बनाने से बाल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और कम टूटते हैं। इसके अलावा बालों में खिंचाव कम होता है और ये तेज़ी से विकास करते हैं। इसलिए बालों को खुले रखने के बजाय चोटी बांधने की आदत महिलाओं को डालना चाहिए। खुले बाल बहुत जल्दी उलझ जाते हैं और टूटने लगते हैं। इसके अलावा ये धूल, मिट्टी और गंदगी के संपर्क में आते हैं। इसके कारण बाल कमज़ोर और ड्राई हो जाते हैं। बालों की चोटी बनाने से ये कम उलझते हैं और अच्छे प्रभाव डालते भी हैं। इसलिए हमें अपने हेल्दी जीवन शैली अपनाना चाहिए और अधिक मात्रा में बालों के लिए पोषक तत्वों का भरपूर सेवन करना चाहिए। हर हफ्ते में बालों से कम तेल लगाकर मसाज करना चाहिए। इससे बालों को पोषण मिलता है और बाल हेल्दी और लंबे होते हैं। बालों के विकास के लिए अच्छी नींद भी बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। तनाव कम लें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, यह स्वस्थ बालों के लिए ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार कम से कम हेयर मास्क का उपयोग जरूर करें, इससे बालों को पोषण मिलता है। इस तरह घने, मजबूत और स्वस्थ बालों के लिए चोटी बनाने की आदत डालनी चाहिए। अगर ज़रूरत ना हो तो बालों को हमेशा खुला नहीं रखना चाहिए मित्रों। उम्मीद है मित्रों, आज आपका हमारा ये विशेषांक, आयुर्वेदिक विशेषांक, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करते रहें। भविष्य में भी हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।